A very good morning to all of you. Good morning. How are you all? बढ़िया. अच्छे हैं कि नहीं? Yes. पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? आपको लगता होगा बार बार मैम एक एक चीज पूछती रहती है ना? पर अब फेस्टिवल मूड को थोड़ी देर ऑफ करो. आई नो दिवाली आने वाली है, लेकिन अभी तो क्या कर सकते हैं. आफ्टर दिवाली यू हैव एग्जाम्स. आफ्टर दिवाली आप सबके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना. तो दिवाली तो इंजॉय करना. मैम ये नहीं बोल रही है कि दिवाली मत एंजॉय करो, पटाखे मत जलाओ. चलाओ पर थोड़े चलाना, राइट? पॉल्यूशन भी होता है उससे, राइट? पॉल्यूशन होता है, जलने का डर रहता है. सो चलाना पटाखे, लेकिन लेस अमाउंट, थोड़े कम, बहुत ज्यादा मत चलाना, ठीक है? सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश. हम रिविजन ही कर रहे हैं सारा का सारा, ए टू जेड सिंगल सिंगल भी पढ़ चुके, टू टू थ्री थ्री लेटर्स एक साथ लेके भी मैंने रिविजन करवा दिया कैपिटल लेटर्स का, ए टू जेड पूरा एक साथ भी लिखवा दिया. आज हम करेंगे राइट द मिसिंग लेटर्स. ए टू जेड के जो मिसिंग लेटर्स हैं आज हम वो करने वाले हैं. आपकी बुक वर्कबुक है उसी में से करने वाले हैं. मैं आपको दिखाऊंगी वो पेज नंबर भी और वर्कबुक भी. तो अपन ये भी एक तरह से रिविजन ही है, राइट? एग्जाम पैटर्न कह सकते हो आप इसको. एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे. तो इन शॉर्ट ये जानना चाह रहे हैं कि आपको कितना आता है. इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी बार मैम के सिखाने के बाद, तो अब तो आपको आ ही गया होगा ए टू जेड पूरा लिखना, राइट? कितनी बार लिख लिया हमने, राइट और नॉट? यस. सो स्टार्ट करते हैं हम. ये आपकी वर्कबुक है इंग्लिश की कैपिटल लेटर्स, उसका पेज नंबर 55 दिख रहा है सबको. 54 हमने कर लिया था. ये मैंने बोला था ड्रेसिंग पैटर्न आप घर पे कर लेना खुद से, और ए टू जेड यहाँ पे आपको नीचे मैंने लिख के बताया था यहाँ पे. अब आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 55 का राइट द मिसिंग लेटर्स. तो हमको मिसिंग लेटर्स में कुछ कुछ दिए हुए हैं, जो बीच के गायब है वो हमको फुलफिल करना है. तो सबसे पहले ए दिया हुआ है, तो ए के बाद क्या आता है? A for apple, B for ball, C for cat दिया हुआ है. उसके बाद आएगा D for dog के बाद क्या आता है? E for elephant, F for fish दिया हुआ है. तो A B C D E F क्या, उसके बाद क्या आएगा? G is for grapes, गोरिला, फिर जी एच, उसके बाद आई. तो जी एच आई जे दिया हुआ है. उसके बाद आएगा के, के फॉर काइट. के बाद एल, एल के बाद क्या आता है? यस, वेरी गुड. एम, एम के बाद क्या आता है? वही चीजें लिख रहे हैं. डोंट बी बोर, बोर नहीं
एग्जाम में यही सारी चीजें आने वाली हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी, राइट? तो ए टू जेड लिखना आएगा, पहचानना आएगा, तभी तो लिख पाओगे आप, राइट? और मैम ने जैसा बताया था आप सबको कि पर्टिकुलर हर लेटर से आपको 4 to 5 वर्ड्स भी आने चाहिए, राइट? तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरो, ए फॉर एंट। फिर बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, बी फॉर बकेट, बी फॉर बटरफ्लाई। देन ए बी सी, सी फॉर केक, सी फॉर कट, सी फॉर कॉक, सी फॉर कैट, ठीक है? उसके बाद आया डी, डी इज फॉर डॉग, डी इज फॉर ड्रम, डी इज फॉर डॉल। इसके बाद आया ई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर ईगल, ई फॉर इंजन, ओके? फिर आया एफ, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फन, एफ फॉर फेदर, एफ फॉर फ्रूट्स, ओके? फिर है जी, जी फॉर गोरिल्ला, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गो, राइट? फिर आया एच, एच फॉर हैट, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैन, एच फॉर हॉर्स, ठीक है? फिर आया आई, आईज फॉर आइसक्रीम, आईज फॉर इग्लू, आईज फॉर इंक, राइट? फिर जे, जे इज फॉर जूस, जे इज फॉर जग, जे इज फॉर जंबो, जे इज फॉर जंगल, ठीक है? फिर है के, के फॉर काइट, फिर के फॉर केटल, के फॉर किटन, के फॉर किंग। फिर आया एल, एल फॉर लायन, एल फॉर लव, एल फॉर लॉट्स, होता है? यस, एल फॉर लैम्प। फिर आता है एम, एम फॉर मंकी, एम फॉर मून, एम फॉर मैंगो, ठीक है? फिर एन, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नोज, एन फॉर नो, ठीक है? फिर ओ, ओ इज फॉर ऑक्टोपस, ओ इज फॉर ऑरेंज, ओ इज फॉर ओल्ड, ठीक है? फिर है पी, पी फॉर पैरट, पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पिग। फिर आता है क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन, क्यू इज फॉर क्विल, क्यू इज फॉर क्विल्ट। फिर आर, आर फॉर रोज, आर फॉर रेन, आर फॉर रेन। फिर आता है एस, एस फॉर सन, एस फॉर स्नो, एस फॉर, आप भी तो ट्राई करो, ट्राई करते हो कि नहीं, एस से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? एस फॉर सन, एस फॉर सनफ्लावर, राइट? एस फॉर स्नेक। फिर है टी, टी फॉर ट्रेन, टी फॉर टैंक, टी फॉर ट्री, टी फॉर टॉप। फिर है यू, यू इज फॉर अम्ब्रेला, यू इज फॉर अनहैप्पी, यू इज फॉर अप। फिर है वी, तो वी इज फॉर वैन, वी फॉर विक्ट्री। फिर वी फॉर वायलिन। फिर आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू इज फॉर वॉल क्लॉक, डब्ल्यू इज फॉर वेल। फिर है एक्स, एक्स इज फॉर ज़ाइलोफोन, एक्स इज फॉर एक्सरे। फिर वाई, वाई इज फॉर येलो, वाई इज फॉर याक, वाई इज फॉर यम। फिर है जेड, जेड इज फॉर जू, जेड इज फॉर जूम। फिर जेड इज फॉर ज़िगज़ैग। तो ये सारे वर्ड्स बनते हैं ए टू जेड लेटर्स से, ठीक है? अब ए बी सी डी कर लेते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के
ये सारे मिसिंग लेटर्स आपको अपनी वर्कबुक के अंदर पेज नंबर 55 पे लिखना है और एज इट इज आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक के अंदर भी पूरा ए टू जेड मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय ऑल ऑफ यू।